गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने डिस्कस कर लिया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कल अपन डिस्कस कर रहे थे वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्शन और स्टेट। हम सभी जानते हैं क्रिया वो शब्द है या तो शो करता है किसी एक्शन को और या शो करता है किसी स्टेट को, दशा को, किसी काम का होना या करना प्रकट हो। हमने कल डिस्कस किया वर्ब की टू टाइप्स। वी कैन डिवाइड वर्ब इनटू टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने डिस्कस किया कल के लेक्चर के अंदर 24 हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी। मोस्टली आपको वर्ब का जो भी चैप्टर मिलेगा उसके अंदर आपको ऑर्डिनरी वर्ब की बात ही हम करते हैं कि ऑक्सिलरीज आप जो 24 है इनको लर्न कर सकते हैं 24 ऑक्सिलरीज। और जो मेन वर्ब है वो आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी वोकैबुलरी एनरिच करते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब हमें याद होती हैं। तो आज अपने सेकंड सेक्शन पे बात करेंगे। इसका मीनिंग अपने क्लियर कर लिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है पार्ट्स ऑफ वर्ब और दो चीज़ें शो करता है या तो एक्शन और या स्टेट। अब जैसे इस तरह से ही रीड्स न्यूज़पेपर एक्शन है, यहाँ पे ही इज अ सिंगर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये स्टेट है, दशा को शो करता है। इसके बाद में हमने इसके टाइप डिस्कस किए थे मेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने थ्री कैटेगरीज इसकी डिस्कस की थी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मार्जिनल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर 11, मॉडल ऑक्सिलरीज आर 10 एंड मार्जिनल ऑक्सिलरीज आर 3 एंड टोटल आर 24 ऑक्सिलरीज। सारी ऑक्सिलरीज हेल्पिंग 20 और 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी एज अ हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल ऑक्सिलरी आर यू डिफरेंट स्टेट पर एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी कैन बी एज ए मेन वर्ब एज वेल एज मॉडल्स। मॉडल्स और मेन वर्ब तेरा यूज थ्री हैं इसके अंदर। हमने डिस्कस किया हियर इड और यू क्या है मार्जिनल ऑक्सिलरी। नाउ वी शैल डिस्कस, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का सेकंड पार्ट मेन। अब मेन वर्ब तरह से अपन हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं इन द सेम वे जो मेन वर्ब है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स के अंदर। और वो पार्ट हैं आपके एक तो फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब है इसे हम कुछ दूसरे नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब के लिए हम बहुत सी बार वर्ड यूज करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब एज वेल एज लेक्सिकल वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। ये सभी मेन वर्ब। मेन वर्ब इसे अपन सामान्य क्रिया ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब नाम से भी जानते हैं। टू मेन टाइप्स हैं फाइनाइट व
verb and non-finite. Finite means limited. Finite का मीनिंग होता है लिमिटेड एंड नॉन फाइनाइट मीन नॉट लिमिटेड. जो सीमित होती हैं, जो लिमिटेड होती हैं फाइनाइट हो गई, और जो सीमित नहीं होती वो क्या हो गई नॉन फाइनाइट. अब इसको यदि अपन बात करें तो इसके अंदर हम ले सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब के अंदर वो वर्ब आती हैं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट तक लिमिटेड होते हैं. लुक एट सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस आपके सामने रख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ही goes to worship. He goes to temple worship. If we change subject of this sentence, I go to temple to worship. In the same way, if we change tense of this sentence, यदि अपन टेंस चेंज करें, पास्ट में अपने को बोलना हो तो अपन लिखेंगे आई वेंट टू टेम्पल वर्शिप. इसी तरीके अपने इसको अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब फॉर्म के साथ यूज करते हैं. ही गोज टू टेम्पल वर्शिप प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है. इन दीज सेंटेंसेस यू कैन ऑब्जर्व वर्ब. इनमें आप वर्ब देखिए कौन कौन सी वर्ब का आप यूज कर रहे हैं. इन सभी सेंटेंसेस में फर्स्ट वर्ब क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में सेकेंड वर्ब क्या है, वर्शिप. ही गोज वह जाता है, गोज टू फल है वर्शिप पूजा करने की. पूजा करना एक्शन का नाम हुआ, गोज जाना एक्शन का नाम हुआ. इसी तरह से सेकंड में भी गो एंड वर्शिप, थर्ड में भी वेंट एंड वर्शिप. जब भी हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास में सब्जेक्ट क्या था, तब ही होता है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर अपन मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या एड एस या हमने यहाँ पे ही की बजाय सब्जेक्ट क्या कर दिया आई. अब आई सब्जेक्ट करते ही ये जो गोस वर्ब थी क्या बन गई, लेकिन क्या इस फॉर्म में कोई. इसी तरह से हमने टेंस पर हम पास्ट टेंस वर्ब की यूज, क्या अपन ये कह दें पास्ट टेंस ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कहते हैं. तो हमने पास्ट टेंस में यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट, पास्ट फॉर्म. अब इस पास्ट फॉर्म में हमने वेंट लगाया आई के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ तो जो कि अपने कर्ता और जाते उसे हम कहते हैं, ये जो वर्ब्स होती हैं इसे हम कहते हैं फाइनाइट. लिमिटेड है, सीमित है. जैसे टेंस बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा तो इन चेंज हो, परिवर्तन होगा. लेकिन इसी इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है टू वर्शिप, टू वर्शिप मीन पूजा करना. हम हमेशा टू पर कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बेस लगाते हैं. तो के बाद जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हमेशा फिक्स रहती है. हम बोलते भी हैं कि टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे कोई सा टेंस हो कोई सा सब्जेक्ट हो, इट डजंट मैटर. इसीलिए सभी वर्ब की क्या कहते हैं हम, नॉन फाइनाइट वर्ब. कि जो फॉर्म अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती नहीं है.
अच्छे से समझ गए होंगे कि मेन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट मीन्स लिमिटेड वर्ब्स दैट आर लिमिटेड टू टेंस एंड सब्जेक्ट. ऐसी क्रियाएं जो टेंस और कर्ता तक सीमित होती, जैसे ही वो बदला के अंदर चेंज आ सकता है, दे आर फाइनाइट वर्ब. और जिसके फाइनाइट वर्ब. नाउ अबाउट फाइनाइट वर्ब, पहले फाइनाइट वर्ब को अपन थोड़ा पढ़ते हैं. तो फाइनाइट वर्ब है सर टाइप्स कर सकते हैं. तो जो फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, हमने मीनिंग पढ़ लिया फाइनाइट वर्ब का. तो फाइनाइट वर्ब में टू टाइप्स हैं हमारे पास फाइनाइट वर्ब के अंदर. इसमें एक होता है जिसे अपन बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव. इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग क्या, सहकर्मक क्रिया. सहकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं इसको अपन. और इनट्रांजिटिव का मतलब हो गया अकर्मक क्रिया. सहकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर पता होगा हिंदी में, नहीं तो अपन इंग्लिश जान लेते हैं. सह का मतलब होता है साथ में, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में होता है, ऑब्जेक्ट साथ में लगाया जा सकता है, उन वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिवली यूज. ट्रांजिटिव और जिसमें ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाते, नहीं लगाया जा सकता, कहते हैं ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई आई प्ले, आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट आई है, प्ले हो गई वर्ब. एंड जब भी हम इस वर्ब से हिंदी के अंदर सिंपल सा एक नियम है इसको पहचानने का, क्या क्वेश्चन पूछ तो उसका जो आंसर आता है दैट इज ऑब्जेक्ट. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. खेलता हूँ क्या, क्रिकेट. आई रीड बुक, रीड क्या रीड करता हूँ, बुक. इन द सेम वे मैनी सेंटेंसेस ट्राई. आई प्ले क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास में है. जब ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब किस तरह से यूज्ड है, ट्रांजिटिवली यूज्ड है, सहकर्मक क्रिया की तरह. कर्म इसके साथ में है, उसे अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव. अब ऐसी वर्ब है प्ले जो ट्रांजिटिवली भी यूज्ड हो सकती है और इनट्रांजिटिवली भी यूज्ड हो सकती है. ऐसी वर्ब है, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आना. अपन इतना कह सकते हैं आई प्ले, मीनिंग कंप्लीट है. आई प्ले, मैं खेलता हूँ. और अपन ये भी कह सकते हैं आई प्ले क्रिकेट. यानी प्ले ऐसी वर्ब है, इसको ट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है और इसको हम इनट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं. लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम केवल ट्रांजिटिवली ही यूज कर सकते हैं. ट्रांजिटिवली कर सकते, ऑब्जेक्ट उसमें जरूरी होता है लगाना. ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा कारपेंटर मेड टेबल. कारपेंटर मेड अ टेबल. कारपेंटर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. मेड यहाँ पे वर्ब हो गई. एंड टेबल, मेड से यदि क्वेश्चन पूछें क्या, तो आंसर आएगा टेबल. कारपेंटर, तो इसका मतलब हुआ, तो इसको
बिना ऑब्जेक्ट के लिख सकते हैं, कारपेंटर मेड, कारपेंटर ने बनाया, नो अपने को लिखना पड़ेगा कारपेंटर मेड अ टेबल। तो कंप्लीट करने के लिए वर्ब के मीनिंग को हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। इसे अपन कहते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि ऐसी वर्ब जिन प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, प्रेडिकेशन सब्जेक्ट को छोड़कर पार्ट होता है, इन वर्ब की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी वर्ब हैं कैन बी यू, हम हटा। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिवली में, जो हैं ऐसी क्रिया आती हैं, जो कि कुछ वर्ब ऐसे हैं ट्रांजिटिवली दोनों यूज हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ऑब्जेक्ट, ये भी इंट्रांजिटिव। और यदि इसको इन वर्ब में वर्ब ऐसी तो ट्रांजिटिवली ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं था, निश्चित रूप से वो अच्छे से डेफिनेटली वो इन, तो वो कौन सी हैं, जैसे मैंने लिखा आई वीप, आई लाफ, वह हंसता है, रोता है। अब रोना से हम यदि प्रश्न क्या पूछें, क्या अपन ये कह सकते हैं आई वीप लाउडली, लाउडली ऑब्जेक्ट, जोर से रोता हूं। तो अब जोर से रोता हूं ये क्या का उत्तर नहीं है, क्या रोता हूं इसका उत्तर नहीं है, मैं कैसे रोता हूँ ये उत्तर है ना। तो कैसे का मतलब हो गया ये एडवर्बियल यूज है इसका, लेकिन ऑब्जेक्ट। तो दो तरह की वर्ब पढ़ी हमने, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। सम वर्ब्स कैन बी यूज ट्रांजिटिवली एज वेल एज इनट्रांजिटिवली, फॉर एग्जांपल प्ले ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज हो सकती है। एंड सम वर्ब आर used only transitively and some verbs are used only intransitive। कुछ क्रियाएं केवल intransitively use होती हैं और कुछ केवल transitively, और कुछ common हैं transitive and intransitive, दोनों तरह से use। अब इस बाद में यदि हम बात करें transitive verb की, हमने transitive और intransitive का classification पढ़ लिया, यदि हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया भी दो तरह की हो सकती है। तो इसमें कैसे, अब ऑब्जेक्ट के बेस है, यदि ऑब्जेक्ट एक आता है ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव का मीन बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोनो मीन्स सिंगल, एक, यदि एक ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और यदि दो हैं तो अपन बोल देते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, टू ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट कितना मिलेगा सिंगल। मोनो का मतलब ही सिंगल से होता है, एंड डाई का मतलब दो, हम पढ़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड में टू मीनिंग होता है, डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, इसमें सिंगल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे अपने अभी पढ़ रहे थे ही रॉट अ बुक, ही रॉट अ बुक मोनो ट्रांजिटिव है या ड्राई ट्रांजिटिव है, मोनो है, सिंपल सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट है तो क्या हुआ ये मोनो है, और
अब मैंने लिखा बी सिलेक्टेड हिम, बी सिलेक्टेड हिम आवा लीडर, सिलेक्टेड आवा लीडर। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, सिलेक्टेड क्या हो गई वर्ब हो गई, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, और आवर लीडर ये भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था क्या प्रश्न पूछोगे, सिलेक्टेड चुना, क्या चुना आवर लीडर है ना, सिलेक्टेड चेंज किया। आवर लीडर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आवर लीडर, आवर लीडर मीन्स कि आपका क्या का उत्तर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब भी वस्तु से होता है संबंधित कोई भी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और जो उससे संबंधित पर्सन है वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका डायरेक्ट। तो जो क्या का उत्तर आएगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बेसिक से सब ये कर रहे हैं, इसको अच्छे से आप कंप्लीट समझ में आ गया। ये इसके बात करते हैं सेकंड पार्ट, क्या हमारा था फाइनाइट वर्ब को हमने सबसे पहले किस में डिवाइड किया, मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब का कंप्लीट हमने कर लिया कि फाइनाइट वर्ब होती कैन बी डिवाइडेड इन टाइप्स, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टाइप्स मोनोट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इन इंग्लिश जो लिमिटेड नहीं होती, इसे अपन थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, थ्री नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इंग्लिश के अंदर। अब नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं कौन सी, हिम, हाँ कौन से सेंटेंस में बताओ इसमें, हाँ हिम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हिम कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में, हिम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हिम का मतलब पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था, हिम वर्ड जो है ना उसमें थर्ड पर्सन है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। टॉपिक्स को लर्न करोगे ना कवर अप हो जाए। नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं इसमें आती हैं, पहला अपन कहते हैं इन्फिनिटिव, ये नेम ही याद करने एक बार आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा इन्फिनिटिव। सेकंड जो इसमें होता है उसे अपन बोल सकते हैं एरेंट, एंड थर्ड जो होता है वो होता है पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट टाइप है इन्फिनिटिव, गेरेंट, ये टॉपिक आपने पढ़े नहीं लेकिन फिर भी ये तीन इंग्लिश के अंदर जो नॉन फाइनाइट हैं इनको अपन वन बाय वन, लेकिन एक बार इसको जनरली अपन समझ लेते हैं। बेसिकली ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रियाएं जो अपने कर्ता और अपने टेंस के अनुसार बदलती नहीं है। इनका यूज आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट आपको इनके नेम नहीं पता इसलिए आपको ये थोड़ा अलग लग रहा है। तो इन्फिनिटिव, गेरेंट एंड पार्टिसिपल, तो अपने क्या करते हैं सबसे पहले ये जानते हैं इन्फिनिटिव
क्या है, किसका टाइप है, एक वर्ब का, जेरेंट भी किसका टाइप है, एक वर्ब का, और पार्टिसिपल भी क्या है, एक वर्ब का ही टाइप है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये सभी क्या है, वर्ब होने के साथ साथ एक और रोल प्ले करती हैं, एक और भूमिका ये प्ले करती हैं। अब ये जो एक्टिव है वो वर्ब होने के साथ साथ क्या होता है, नाउन, वर्ब और नाउन है, तो इसको अपन बोल देते हैं इट इज अ वर्बल नाउन, इज अ वर्बल नाउन। अब जेरेंड जो है, जेरेंड भी क्या है, वर्ब होने के साथ साथ में क्या होता है, एक नाउन की, इसलिए अपन इसे भी बोल देते हैं इट इज अ वर्बल नाउन, एक वर्बल नाउन हो गया। और पार्टिसिपल है वो वर्ब के साथ साथ में होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस एक्शन, ये हमने पहले पढ़ चुका है, इसे अपन बोल सकते हैं इट इज अ वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल नाउन है और ये क्या है, वर्बल। अब इसमें सबसे पहले हम जान कुछ हो ताकि आपको ये पता चल सके, इन्फिनिटिव के पहले टाइप डिस्कस करते हैं, फिर इसकी मैं आपको डेफिनेशन से इसको बता दूंगा। तो जो वर्बल नाउन है, इन्फिनिटिव है, वो दो तरह के होते हैं, टाइप हैं, एक तो जिसे अपन कहते हैं टू इन्फिनिटिव, और सेकंड जिसे अपन कहते हैं वेयर इन्फिनिटिव। पहले इन्फिनिटिव को पढ़ लेते हैं, मैंने आपको दो टाइप बताए हैं इसके। इन्फिनिटिव इज ए बेस ऑफ अ वर्ब, एक क्रिया का बेस होता है, जैसे हम कल प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ रहे थे ना, हम पढ़ रहे थे तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज की फॉर्म देखी, एक हमने बी की देखी, एक हम किसके बारे में पढ़े, हैव के बारे में, और एक की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, और पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बीन होती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये मेन वर्ब में आते हैं, इनकी काउंटिंग नहीं करनी, इस पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना हमने, हैव और डू है। अब बी की फर्स्ट फॉर्म, बी कंप्लीट वर्ब है इंग्लिश में, इसकी फर्स्ट फॉर्म जिसे अपन प्रेजेंट टेंस हो गया, इज एम आर, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वॉच एंड वर, थर्ड क्या हो गई इसकी, अपन नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अब बात हुई कि ये बी क्या है फिर, ये तो किसी में नहीं आया, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, कंप्लीट इंग्लिश में वर्ब भी एक है ये बी, बाकी सभी में फॉर्म में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बताता हूँ जैसे। अब ये बी क्या है, ये बी है बेस, इस बेस से वर्ब बनी है सारी, बेस होता है ना जैसे आधार, उससे सब कुछ बना है, ये उसकी जड़ है, एक बेस है, रूट है उसकी। तो बेस क्या कहते हैं, इन्फिनिट, वर्ब के बेस को क्या कहते हैं, इन्फिनिट। प्रत्येक वर्ब में अलग अलग मिलेगा आपको। अब जैसे हैव है, तो हैव में क्या होता है, हैव के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं हैव एंड हैज, हैज एंड हैव, सेकंड फॉर्म में अपन बोल देते हैं हैड, और थर्ड फॉर्म में भी बोल देते हैं हैड, ये इसकी तीन फॉर्म हो गई हमारे पास में। तो अब क्या हुआ, इसमें ये कंप्लीट क्यों नहीं मानते, जो प्रेजेंट फॉर्म है ना उसमें हमने क्या लिखा, हैज एंड हैव, हमें लगता है ये हैव और ये हैव सेम है ना, सेम है, इसलिए इससे अच्छे से समझ में आ गया डिफरेंस, ये बेस है इसका, इसको बेस की तरह भी यूज किया जा सकता है,
और इसको प्रेजेंट फॉर्म की तरह भी यूज किया जा सकता है। बाकी सभी वर्ब में आपको बेस और जो पहली फॉर्म है ना उसकी प्रेजेंट फॉर्म दोनों एक जैसी मिलेंगी। आप कोई भी वर्ब ले लें, जैसे गो वर्ब लिया, गो गो, अब गो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या हुई, दो हुई, गो एंड गोस। पास्ट टेंस क्या हुआ, वेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, गॉन। तो हमें पहली जो फॉर्म है गो एंड गोस, तो उनके अंदर गो सेम ही लग रहा है जो बेस वाला, ठीक है। तो ये बाकी सभी वर्ब में आपको एक जैसा दिखेगा, सिर्फ आप यूज देख के बता सकते हो ये इसकी बेस फॉर्म है और ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, इन्फिनिटिव मैं बात कर रहा था। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्बल नाउन होता है, उसके अंदर नाउन की फोर्स होती है। कैसे होती है अभी बात करते हैं। ये क्या होता है, वर्ब का बेस होता है, दो तरीके से दो फॉर्म के अंदर एक्टिव में पाया जाता है, एक तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड समटाइम्स वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म विदाउट। चलो इसको अपने डिस्कस करते हैं पहले, इन्फिनिटिव क्या है और इसके जनरल यूजेस क्या हैं। इन्फिनिटिव मैंने आपको बताया कि दो टाइप बताए, एक तो मैंने आपको बताया टू इन्फिनिटिव एंड सेकंड वन इज पेयर इन्फिनिटिव, दो टाइप हमने इसके पढ़े हैं। अब बेयर का मतलब होता है बिना, वोकैबुलरी में अपन पढ़ते हैं तो बेयर मींस बिना, विदाउट। तो टू का मतलब हो गया जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, इसका मतलब हो गया सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले। इन्फिनिटिव की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो अपन लिखते हैं इट इज अ वर्बल नाउन, ये वर्ब के साथ साथ क्या होता है, वर्ब के साथ नाउन की सभी नॉन खुद रोल प्ले, वर्ब तो है ही सब साथ साथ में, इन्फिनिटिव गैरेंट नाउन होता, पार्टिसिपल है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इट इज अ वर्बल नाउन और इट इज बेस ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का क्या होता है, बेस होता है। सेंटेंस के टेंशन स्टार देने मीनिंग को ज्यादा क्लियर हम नॉन राइट्स का अलग अलग पढ़ेंगे अपन। तो टू के बाद हम जैसे हमने कई सेंटेंसेस अभी लिखे थे तरीके से, मैंने लिखा यदि ही वॉक्ड हार्ड टू पास द एग्जाम, ही वॉक्ड हार्ड टू पास द, यहां पे वॉक्ड हार्ड, वॉक्ड कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है का नॉन फाइनाइट है, वर्कड फाइनाइट हो गई, टेंस बदलेंगे तो बदल जाएगी, ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई। नॉन फाइनाइट वर्ब हमें मिल रही है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ मिल रही है, इसमें कोई भी चेंज करते रहें, यदि इसको अपन प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो अपन ये बोलेंगे ही वर्क्स हार्ड पास द एग्जाम, यदि इसको अपन कर्ता चेंज करेंगे प्रेजेंट टेंस में आई वर्क हार्ड टू पास द, चेंज होती रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होने वाली नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में यदि आपको चेंज नहीं होने वाली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो टू इन्फिनिट है, इन्फिनिटिव है, और यदि बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए क्या है वो, जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल लिखते हैं इसका भी, मैंने लिखा आई लेट हिम गो, मैंने उसे
की। तो यहां पे सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव वर्ब, ये ऐसी है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती। इन द सेम वे आप यहां पे यूज देखो लेट के बाद, लेट क्या है, गो क्या है, नाइट वर्ब, लेट कौन सी है, फाइनाइट है, और गो कौन सी, फाइनाइट। हमने आई की बजाय यहाँ पे ही लिखा ही, अब यहाँ पे क्या आएगा, करना है तो लेट आएगा, करने दे, ही लेट्स हिम गो, लेट्स हिम, जबकि ये चेंज तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बिना टू के आ रही है। तो जब बिना टू के ये आ रही है, ये क्या हो गई सारी के सारे, यानी फाइनाइट वर्ब आएगी, विदाउट फाइनाइट वर्ब यू कांट की बना ही नहीं सकते फाइनाइट वर्ब। लेकिन फाइनाइट वर्ब के साथ साथ ऐसी वर्ब भी, बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो टू, बिना टू के फर्स्ट फॉर्म, अब इस नाउन की, जैसे अपन ये भी लिखा ना हमने, ये क्या है, एक वर्बल नाउन है। अब इसको नाउन की जगह यूज किया जा सकता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। अब मैंने लिखा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ के बाद क्या लगाई है मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इस लगाया टू के बाद में, इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पे ये वर्ब तो है ही, क्योंकि स्विम बेसिकली क्या है, वर्ब, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। अब इस वर्ब के साथ साथ में हमने क्या यूज किया, इसे इस वर्ब को कैसे यूज किया है, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन तो नाउन की, नाउन ही बन, तो इसके अंदर किसकी फोर्स हो गई, जैसे किसी का नाम हो, तैरना अच्छा, अपने कहते हैं स्पोक, हाँ वो इसमें आ जाएगा जेरेड, तो टू स्मोक इज हेल्थ, हेल्थ के लिए स्मोक करना, तो जब टू के बाद, और अपन ये आई लाइक, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, करता हूँ तैरना, अब तैरना एज ए नाउन है, तो इन्फिनिटिव में किसकी फोर्स होती है, नाउन की फोर्स होती है, वर्बल नाउन, एक बार इन्फिनिटिव। तो इसके बाद इस क्या जा सकता है, सब्जेक्ट एज एन, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जहां जहां पे हम नाउन को सेम वे, हाँ भी नाउन को यूज कर सकते हैं वहां इन्फिनिटिव। अब बेर इन्फिनिटिव के बहुत सिंपल से वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स, वर्डल वर्ब्स के बाद में अपन क्या लगाते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म बेस कहते हैं, आई कैन स्पीक, आई कैन टू तो नहीं बोलते, आई कैन स्पीक टू के लगाते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो ऐसी फर्स्ट फॉर्म टेंस और सब्जेक्ट के चेंज नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि आई कैन सॉल्व दिस पजल, आई कैन सॉल्व दिस
पजल। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि हमने कैन यूज किया, कैन के साथ में हमने क्या यूज किया, बेस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ, क्या ये फर्स्ट फॉर्म अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है? जैसे अपन ये लिखें ही लगाएं, ही कैन सॉल्व दिस पजल, वह इस पजल को सॉल्व कर सकता है, नहीं चेंज हुई। यदि टेंस बदलेंगे, आई कुड, कैन क्या बन जाएगा पास्ट में, कुड, आई कुड सॉल्व दिस पजल, फिर भी चेंज नहीं होगा। ये मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि जितने भी मॉडल्स हैं इनको डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं, डिफेक्टिव, इनमें कमी है, क्योंकि इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस, बेस फॉर्म हम यूज, इसलिए आप हमेशा बेस ही आएगा। ये भी बेयर इन्फिनिटिव के एग्जांपल हैं, सारे मॉडल हैं बेयर इन्फिनिटिव का ही है, हाँ इन्फिनिटिव के बारे में, इसको समझ लिया होगा थोड़ा। अब इन्फिनिटिव से मिलता जुलता है सेकंड नॉन फाइनाइट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं इसको अपन, जेरंड। अब आप पूछोगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। अब इन्फिनिटिव और जेरंड हिंदी अब नहीं होती, क्या तो होती है, क्या के साथ में वहाँ पे आई एन लगाते हैं हम, जाता है, जातिंग है, ऐसा कोई लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये टॉपिक क्या कहते हैं, बात नहीं, तो हिंदी तो एक ट्रांसलेशन, तो हम देखते हैं जेरंड। अब जेरंड क्या है, जेरंड भी क्या है, इट इज ए वर्बल नाउन। अब हमने यही उसमें पढ़ा इन्फिनिटी में, ये भी वर्बल नाउन होता है, कभी भी टेंस और सब्जेक्ट बदलने से ये चेंज नहीं होता। इसकी एक ही फॉर्म होती है, एक ही टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है, जेरंड, जेरंड का टाइप होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, तो वो जेरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस सर आप बोल आईएनजी नहीं, अपन लिखें आई एम प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जोड़ दिया, लेकिन वो जेरंड का एग्जांपल क्यों नहीं है, क्योंकि जेरंड जो होता है वो क्या होता है, वर्बल। मैं आपको इस एग्जांपल देता हूँ, जहां पे नाउन यूज होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, हम ये भी लिख सकते हैं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे जो ये स्विमिंग है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ऐड किया, आई एन जी, और पीछे हमने एग्जाम्पल ये पढ़ा था टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, ये पढ़ा था हमने इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये दोनों ही वर्बल नाउन हैं, इन्फिनिटिव भी वर्बल नाउन था और जेरंड भी क्या हो गया, वर्बल नाउन है। अब जैसे इन्फिनिटिव में क्या लिखा हमने, इट इज ए वर्बल नाउन, ठीक है। और इसी तरह से मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये भी वर्ब प्लस नाउन होता है, ये भी वर्ब प्लस, तो जब जहां पे नाउन यूज होता है वहां होता है, वहां पे इन फर्क क्या रहेगा दोनों, जब बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए इनिटिव, और जब वर्ब की फर्स्ट क्या आए आईएनजी आए, तो क्या बन गया, जेरंड है। तो अभी इस टॉपिक में आपने देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म किस जेरंड की, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हमने एक और एग्जाम्पल देखें वॉकिंग इज फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज
इंजूरियस टू हेल्थ, ध्यान रखना हमेशा इंजूरियस के साथ टू प्रपोजिशन लगाते हैं हम इंग्लिश के अंदर, स्मोकिंग हेल्थ, तो हेल्थ के लिए स्मोकिंग इंजूरियस होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, स्मोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, क्या बन गया, पेरेंट बन। तो जहाँ नाउन होता है आई लाइक स्मोकिंग, आई लाइक स्मोकिंग, अब अपने लिखा होता है नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, टेंस तो कंप्लीट कर दिया इसने, नो टॉकिंग। अब वो टॉकिंग क्या है, वो सब पेरेंट की, हम जैसे कई बार वर्ड यूज इसके अंदर आई एन, नो पार्किंग, है ना, तो ध्यान रखना इसकी फॉर्म। तो ये भी क्या होता है, नाउन होता है। एक बार अपने इसका टाइप और कर लेते हैं, फिर तीनों को कंपेयर कर लेंगे। थर्ड जो है वो है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को मैंने आपको क्या बताया था, पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव, वर्ब के साथ में क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, यानी वर्ब के साथ में एडजेक्टिव का काम करता है ये। तो पार्टिसिपल के तीन टाइप हैं, थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के तीन टाइप हैं। पहला जो होता है, तीनों आप यूज करते हो, कोई समझने वाली बात नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड जो होता है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्बल एडजेक्टिव होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या फॉर्म है, जब भी आप हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, परफेक्ट। तीन टाइप पढ़े हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट। अब इसका मतलब हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और हमने इससे पहले पढ़ा जेरेंड भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है जेरेंड वर्बल नाउन है, इसके अंदर नाउन की फोर्स है जो कि संज्ञा के स्थान पे काम आता है, जबकि इसके वर्बल एडजेक्टिव, ये विशेषता बताएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अब जैसे मैंने लिखा आई सॉ अ रनिंग, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन। रन क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें क्या जोड़ दिया हमने आईएनजी, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, मैंने एक दौड़ती हुई ट्रेन देखी। अब ट्रेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, आई सॉ रनिंग ट्रेन, मैंने दौड़ती हुई ट्रेन देखी। कैसी ट्रेन, दौड़ती हुई। और यदि अपन ये लिखें रनिंग इज, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे भी क्या है, रनिंग सेम वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज ए किस हो रहा है, नाउन, सब्जेक्ट बन गया ना, तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है, रनिंग इज द बेस्ट। जब वर्ब की बाद नाउन की ऐसे यूज हो, तब तो होता है वो
और जब किसी की क्वालिफायर, अब जैसे रनिंग ऐसे इस छोड़ती, तो यहाँ पे क्वालिटी स्विमिंग बॉयज लुक अट्रैक्टिव, स्विमिंग बॉयज तैरते हुए लड़के बड़े आकर्षक लगते, बॉयज लुक अट्रैक्टिव। स्विमिंग क्या हुआ यहाँ पे, प्रेजेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तैरते हुए लड़के, कौन से लड़के तैरते हुए? इसी तरह से कौन सी ट्रेन देखी मैंने, दौड़ती हुई, इस तरह। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दौड़ना, रास्ते की अच्छी एक्सरसाइज, दौड़ना अच्छा है, तो काम हो गया, काम की फोर्स होगी, ट्रेंड है, क्वालिटी। पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखूं, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है ज्यादातर, जैसे मैंने लिखा अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका अ डेवलप्ड कंट्री, तो जो अमेरिका है एक विकसित राष्ट्र है, देश है, तो ये डेवलप्ड से क्या बना, डेवलप्ड। थर्ड फॉर्म है डेवलप्ड, विकसित होना, डेवलप्ड, डेवलप्ड। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने पा लिया मेरा खोया हुआ पेन, खोया हुआ पेन खोना, खोने से बना थर्ड फॉर्म, ठीक है, लूज से बना लॉस्ट। इसी तरह से डेवलप, विकसित होना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, डेवलप्ड। और हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आपकी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम ही पास्ट पार्टिसिपल है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम ही पास्ट पार्टिसिपल। अब टाइप, इसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सी बार, इसमें थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा इसको समझ लेना। परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म भी आपने कम पढ़ी होगी, जब हैविंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका एग्जांपल लिखता हूं, इसमें क्या होता है कि जब एक काम को समाप्त करके दूसरे काम को शुरू, तब इसका यूज करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा हैविंग टेकन टी, आई वेंट ऑफिस, टेकन टी, आई वेंट टू, हैविंग टेकन चाय लेने के बाद कहाँ गया? तो आपने दूसरा काम कब शुरू किया है, इसको फिनिश करने के बाद, इसमें एक काम का फिनिश होना, जब हम एक काम को बाद दूसरा काम शुरू तब हम लगाते हैं। अब ये क्या है, हैविंग, उसके बाद में हमने क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। इस सेंटेंस को यदि अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से लिखें, जैसे मैंने लिख दिया टेकिंग टी, आई वेंट टू ऑफिस, का मतलब क्या हो गया, ये सही है या गलत है? टेकिंग आई वेंट, ये रॉन्ग है। टेकिंग टी मीन्स ग्रामेटिकली है, रॉन्ग कैसे है, टेकिंग टी चाय लेते हुए मैं ऑफिस, इट सीम्स यू आर टेकिंग टी एंड यू आर गोइंग टू ऑफिस, चाय ले रहे और ऑफिस। कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते हमने कौन सा काम पहले किया, या तुरंत दोनों काम साथ में, उस टाइम ये लगा सकते, एक काम साथ दूसरा करेंगे तो परफेक्ट पार्ट। और यदि दोनों काम बराबर में शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम किस किस का यूज कर सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे अपन देखें, किंग
स्नेक है ना, सीइंग देखते ही एक स्नेक को आई टेरिफाइड, मैं डर गया। तो बताओ पहले सांप को देखा फिर डरे, ये दोनों काम एक साथ ही हो गए, लगभग एक साथ ही हो गए कि जैसे ही देखा वैसे ही हम अचानक से, यानी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि उसको समाप्त करेंगे पहले देखने के काम को, फिर हमारे ऊपर डर आएगा। तो जब हम दो काम बराबर में कर सकते हैं ना, तब लगा सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अदरवाइज हम यही लगाएंगे। इसका यूज बहुत कम है इंग्लिश में, इसका यूज इसी टाइप का आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस सही नहीं होगा कि अंदर दोनों काम बराबर चल रहे हैं, है ना, या एक काम समाप्त होने का भाव है और फिर दूसरे का शुरू होता है, तो हमें हैविंग टेक, हैविंग प्लस वर्ब, दोनों काम बराबर में चल रहे हैं तो हम लगा सकते हैं आईएनजी। तो अब हमने देखो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ध्यान में रखना। इन्फिनिटिव क्या बताई मैंने, वर्बल नाउन। जेरेंड भी क्या है, वर्बल नाउन। और पार्टिसिपल क्या है, वर्बल एडजेक्टिव। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या डिफरेंस बता सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, जेरेंड की फॉर्म भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या डिफरेंस। जेरेंड वर्बल नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इन सभी टॉपिक्स आप मेरे साथ साथ में ही अपनी बुक से, बुक है आपके पास में, रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। हम जल्द ही जनरल इंग्लिश बेसिक टॉपिक कम्प्लीट, एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ प्रयास करेंगे हम के लिए, ताकि आपका बेस है वो कवर हो जाए और इसमें बेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वर्ब दी है तो आपको समझ में आ जाए ये वर्ब का टाइप है। ऑलमोस्ट हमने वैसे वर्ब की एक दो चीज़ें और हैं, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। वर्ब के अंदर कई बार हमें ये पता है, आप ये भी वर्ब का टाइप पढ़ोगे कि एक वर्ब में कुछ वर्ब्स, जैसे अपन बोलते हैं रेगुलर वर्ब, और कुछ वर्ब जैसे अपन बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, इनमें क्या डिफरेंस है। वैसे तो वर्ब के बहुत से टाइप हैं, बेसिक टाइप मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, रेगुलर वर्ड मीनिंग क्या है, नियमित, तो अपने पैटर्न के अंदर फिक्स, यानी जिनके पीछे डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड वर्ब। फॉर एग्जांपल हमने वर्ड लिया वांट, वांट, वांट में यदि हम सेकंड फॉर्म या इसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो क्या बनेगी, वांटेड एंड वांटेड, want, wanted, wanted। इसी तरीके से हमने ली वर्ब need, needed and needed। ed लगाने से second बन गई और ed लगाने से ही क्या बन गई, मैंने आपको जो sentence कहा है और regular को जरूरी पहले, ताकि आपके बेसिक वर्ब सभी याद हो जाएं। उसका मैं टेस्ट में मेंशन करूंगा कैसे ना कैसे। बाद इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, दे आर नॉट रेगुलर इन देयर पैटर्न। फॉर एग्जांपल गो पास्ट में वेंट एंड गॉन, गो वेंट एंड गॉन, तीनों अलग अलग होती हैं, दे आर इरेगुलर वर्ब। और मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें आप थोड़ा प्रोनंसिएशन का भी ध्यान रखा करें, जैसे किसी भी, जब भी इंग्लिश के अंदर ट या ड इसके बाद में ईडी जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बड़ी हार्श तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, इसको अपन बोलते हैं वांट बोलते हैं। अब वांट में ईडी जोड़ दिया तो वांटेड, इट्स Did। जब भी ट और ड लास्ट में है, लास्ट में क्या था, इसके लास्ट में क्या था, इनमें जब भी ईडी, इड की आवाज,
ऐड करना है इड, तो इड इड की आवाज़ आती है, और इंग्लिश में अपन इस इसको लिखें तो इड साउंड आती है, जैसे वांट नॉट वांटेड, वांटेड इडड इड नहीं, तो आपका एक्सेंट। अब नेक्स्ट अपन मंडे से क्या करेंगे कि एक वोकैबुलरी की क्लास रखेंगे 20 मिनट्स की, के अंदर 20 या 10 मिनट्स के अंदर हम वोकैबुलरी के टॉपिक जो 5 or 4 वर्ड में आपको डे अच्छे आए हुए हैं आपको नोट करवाऊँगा, और कुछ ही टाइम में आपकी आपको लर्न करना हम क्लास के अंदर। तीनों वर्ब सेम हो, अब जो तीनों वर्ब सेम हो एक अलग पैटर्न है, जैसे कि रेगुलर वर्ब है वैसे वो रेगुलर के अंदर ही आ जाती है, तीनों वर्ब सेम होती हैं क्योंकि रेगुलर होता है पैटर्न, लेकिन वो अलग से अपन उसको मेंशन कर लेते हैं। कुछ वर्ब्स तीनों अलग होती हैं, जैसे कि लेट लेट एंड लेट, कट कट एंड कट, वैसे ये कौन सी वर्ब है रेगुलर के अंदर ही, पैटर्न सेम होना चाहिए और वो रेगुलर में मानते हैं अपन, और जिसमें पैटर्न अलग होता है उसको चेंज करने का वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। बाकी अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।